Hello, bachchon. You are listening to Manu Singh from Physics Open House. Today we will deal with the quality factor that has been left in alternating current for 12th class. The topic is alternating current. Alternating current, and the subtopic is LCR we have done, LR we have done, CR we have done. The last is quality factor of resonant circuit. First, you understand what is quality factor. Answer is quality factor, we will have Q factor, is the ratio of voltage across inductor or voltage across capacitor. Voltage across resistor. Quality factor is equal to Vm or Vc upon Vr. You can take Vr, either you can take Vc, Vr to rely. I am doing this by taking Vr. Therefore, quality factor, Vc can be done, Vr upon Vr. Vr means IVR, IVXL upon IVR, IV cut, XL upon R, omega L upon R, and omega you know is equal to 1 upon under root LC. So, quality factor is equal to 1 upon R under root L upon C. This is the final formula for quality factor. Now, quality factor is the ratio of voltage across inductor, is called a Vn, or voltage across capacitor, is called a Vc. आप इन दोनों में से कोई ले सकते हैं. और दूसरा है टू वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस का नाम है वी आर. मैंने आई एम डूइंग बाय टेकिंग वी एल अपॉन वी आर. वी एल इक्वल टू आई वी एक्स एल, वी आर इक्वल टू आई वी आर, आई वी आर इक्वल एक्स एल अपॉन आर, एक्स एल इक्वल टू मेगा एल अपॉन आर, मेगा इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट ए सी. देयरफॉर क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू वन अपॉन आर अंडर रूट एल अपॉन सी. अब पूछा जाएगा आपसे ऑन व्हाट फैक्टर्स क्वालिटी फैक्टर डिपेंड्स. ऑन व्हाट फैक्टर्स क्वालिटी फैक्टर डिपेंड्स. ये तीन नाम लिख रहे हैं आपको. नंबर वन आंसर, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर वन रेजिस्टेंस, नंबर टू इंडक्टेंस, नंबर थ्री कैपेसिटेंस. इफ दे आस्क ऑन व्हाट फैक्टर डिपेंड, तो आपको तीनों नाम लिखने हैं. और अगर पूछते हैं कब ज्यादा होगा क्वेश्चन,
under what condition? Quality factor will be more, the large. इसी आंसर यहीं से लिखना बिकॉज क्यू है क्यू फैक्टर पहले फॉर्मूला लिख दीजिए वन अपॉन आर अंडर रूट एल अपॉन सी न्यूमरेटर ज्यादा होना चाहिए डिनोमिनेटर में जो फैक्टर वो कम देयरफॉर इट विल बी लार्ज कब नंबर वन R is small. जितना R कम होगा उतना sharpness ज्यादा होगी. Number two, C is small. And number three, L is large. L लार्ज होना चाहिए C स्मॉल होना चाहिए R स्मॉल होना चाहिए. अगर ये कंडीशन में पूछते हैं कि कब ज्यादा होगा तो ये कंडीशन आपको लिखनी है. अब नेक्स्ट क्वालिटी फैक्टर डिटरमाइंस द सेलेक्टिविटी और द शार्पनेस. क्वालिटी फैक्टर डिटरमाइंस शार्पनेस. अभी दिखाएंगे शार्पनेस और सेलेक्टिविटी और रेजोनेंट सर्किट. यहां पर हमने दिए प्लॉटेड एक ग्राफ टू शो दी शार्पनेस एंड सेलेक्टिविटी ऑफ रेजोनेंट सर्किट. यू सी इन द फिगर दिस इज अ ग्राफ बिटवीन करंट एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा. ये करंट और फ्रीक्वेंसी के अंदर आपका ग्राफ है. देयर आर थ्री ग्राफ्स. फर्स्ट ग्राफ फॉर रेजिस्टेंस आर दिस इज स्मॉलर सेकेंड आर टू थर्ड आर थ्री. R3 is greater than R2 is greater than R1. Smallest is R1. तो sharpness यहाँ से जब आप इधर की तरफ चलेंगे जैसे जैसे frequency बढ़ेगी तो current भी increase करेगी. यहाँ पर current maximum होगी saturation आ जाएगा इसके बाद decrease होना शुरू होगा. Frequency still increasing. जैसे जैसे frequency बढ़ेगी current will increase maximum होगा I not E not upon R. और जैसे जैसे इसके बाद सेचुरेशन आ जाएगा इसके बाद करंट का घटना शुरू होगा लेकिन फ्रीक्वेंसी फिर भी बढ़ती रहेगी. ये आपकी बीच वाली जो है ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. यहाँ पर आर सबसे कम है आर थ्री सबसे ज्यादा है आर टू इन बिटवीन है. करंट ऊपर अगर ई नॉट अपॉन आर है तो नीचे वाली करंट जो है जहाँ से हमने दो फ्रीक्वेंसी निकाली है मेगा वन मेगा टू जहाँ डिटेल आपके कोर्स में नहीं है तो वो टू टू का फर्क हो जाएगा. करंट के अंदर यू ई नॉट अपॉन अंडर रूट टू आर. ये आपका ग्राफ कर्व ये भी पूछा जाता है और इसको अच्छी तरह याद कर लीजिए. और दिस इज ऑल अबाउट द क्वालिटी फैक्टर. ज्यादा डिटेल है नहीं इसके बाद आपको बता रहे हैं मोर अबाउट चॉक कॉइल. चोक कॉइल इज ए प्योर इंडक्टर. प्योर इंडक्टर हैज नो रेजिस्टेंस हैज नो रेजिस्टेंस नो रेजिस्टेंस द पावर एवरेज
यू कैन डू पावर वाले वेरिएशन हमने कहा था EBIV cos of phi. In this case, phi is equal to pi by 2. This we have done. Power average is equal to EBIV cos pi by 2. Answer is 0. If it is a pure inductor, means has no resistance, then power consumed will be 0. Let's say again. If because choke coil are made from copper wire or any other wire, or if can the resistance of that, that has resistance, the resistance of a तो L R सर्किट होगा, therefore it will be L R सर्किट, और L R सर्किट के अंदर हमने पहले कर रखा है पावर एवरेज इक्वल टू EBIV cos of phi इक्वल टू EBIV R upon this we have done R square plus X alpha square. Power factor, because power factor is less than 1. This factor may have niche wala jada to less than 1. Therefore, power average is less than apparent power, EBIV. Power less than apparent power. Choke coil are generally of two types. पहले type में आते हैं आपके low frequency और दूसरी में आते हैं high frequency. फिर दोबारा सुनिए, choke coil is a pure inductor, has no resistance, power average is zero. Choke coils from copper wire or aluminum wire don't give that high resistance. इसलिए जब देखा है LR circuit, अगर LR circuit है तो power average EBIV cos of phi, और यहाँ पर phi cos phi हम पहले निकाल चुके हैं R upon under root R square plus XL square. This factor is less than 1, therefore power average is less than 1, therefore apparent power average पावर, जितनी पावर हम सप्लाई कर रहे हैं उससे कम खर्चा होगा, इसके लिए बेनिफिट हो जाएगी, हमको फायदा हो रहा है. चौक कॉइल क्या करता है? चौक कॉइल रिड्यूसेस ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी को कम करने के लिए होता और रेजिस्टर डीसी को कम करता है. जब भी डीसी का सर्किट होगा तो उसमें रेजिस्टर लगा होगा, वेरिएबल रेजिस्टर लगा होगा, और इसमें चौक कॉइल घर के अंदर ट्यूबलाइट है उसमें भी चौक कॉइल लगी हुई है. तो रिड्यूसेस एसी. चौक कॉइल के दो टाइप होते हैं. फर्स्ट टाइप लो फ्रीक्वेंसी और सेकंड टाइप हाई फ्रीक्वेंसी चौक कॉइल. लो फ्रीक्वेंसी में जो अंदर कोर होता है वो आयरन कोर यूज किया जाता है, और हाई फ्रीक्वेंसी में एयर कोर का प्रयोग किया जाता है, एयर का एज कोर. ज्यादा डिटेल आपके उसमें नहीं है, जैसे अलगाव जी चौपाल थोड़ा बहुत है, इंडक्टर सर्किट है वो आप लिख सकते हैं इजीली. पावर मिनिमम खर्च होती है, बेनिफिट होता है हमको, और फ्रीक्वेंसी जो होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी आयरन कोर और एयर एज ए कोर. आज का ये यही तक है, इसको अच्छी तरह समझिए, दोनों पॉइंट अच्छे हैं. क्वालिटी फैक्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके लिए फायदेमंद है, और
शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।